पीएम मोदी के निजी ट्विटर अकाउंट में सेंधमारी की गई है। दरअसल उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तड़के ये जानकारी खुद साझा की गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल को कुछ देर के लिए हैक कर लिया गया था, जिसके बाद एक ट्वीट किया गया जिसमें ये दावा भी किया गया था कि भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है। हालांकि जैसे ही मालूम हुआ कि पीएम का अकाउंट हैक किया जा चुका है, इसके तुरंत बाद अकाउंट को सुरक्षित भी कर लिया गया, शरारतपूर्ण ट्वीट को हटा दिया गया है और पीएम के अकाउंट को सुरक्षित कर लिया गया है। मामला सामने आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से छेड़छाड़ की गई थी, इस मामले को ट्विटर के सामने उठाया गया है और तुरंत अकाउंट सुरक्षित कर लिया गया है। जिस अवधि में अकाउंट से छेड़छाड़ की गई, उस दौरान किए गए किसी भी ट्वीट को नजरअंदाज किया जाए। तो कुछ देर के बाद अकाउंट को सुरक्षित कर लिया गया। बताते चलें कि पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था, लेकिन उसके बाद उनके जो ट्विटर अकाउंट को वापस से सुरक्षित कर लिया गया। कुछ देर के बाद ट्विटर अकाउंट को सुरक्षित कर लिया गया, पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था। हमारे संवाददाता अजय चौहान इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए, बहुत ही गंभीर मामला हो जाता है जब प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी मजबूत और इतनी महत्वपूर्ण शख्सियत देश की, और उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो जाता है। क्या कुछ इस बाबत फिलहाल ताजा अपडेट? मनीष, देखिए, एक जांच का विषय और जो सुरक्षा कहीं ना कहीं चूक है, क्योंकि देखिए इस तरह की खबरें जो बार बार आती है, कभी फेसबुक का अकाउंट हैक होता है, कभी ट्विटर हैक होता है, तो देखिए जिससे क्या देश के प्रधानमंत्री यानी कि सबसे फुल पावर व्यक्ति का जो अकाउंट हैक किया गया, एक जांच का विषय, क्योंकि सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक है। तो देखिए उसमें जिस समय जो हैक किया गया था वो रात के 2:11 पर हैक किया गया था, इसमें सीवीटी भी किया था उसने, हैकर ने, यानी कहा था कि 500 बीटीसी खरीदकर लोगों को बांट रही है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी मजबूत शख्सियत के साथ, और क्या उसके बारे में कोई कार्रवाई की जा रही है? क्या जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी है? ये ट्विटर का काम है, ट्विटर को पता करना है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अकाउंट हैक किया है, किसने किया, कहां से किया है। तो देखिए इस पर जांच नहीं बैठेगी इस तरीके से, तो आम लोग तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो देखिए जांच विषय है और इस पर कानून कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इसकी छानबीन की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर ट्विटर हैंडल हैक हो सकता है, ट्विटर अकाउंट हैक हो सकता है, तो हम और आप तो मामूली चीजें हैं, हम लोगों का और आम लोगों का तो कुछ भी ऐसे हैक हो सकता है। तो इसको लेकर यानी कि ट्विटर पर अब गंभीर सवाल खड़े होने बनते हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा की बड़ी चूक। मनीषा, देखिए बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि देखिए अकाउंट हैक करते हैं तो साइबर कैप जितना तेजी से बढ़ रहा है और लोगों के अकाउंट हैक करता है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है। तो क्योंकि हमारे जो भारत की एजेंसियां हैं, इस पर क्यों ने निगाह रखी थी, क्यों ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, आज तो मोदी का क्या, राष्ट्रपति क्या करेंगे, तो ऐसा सुरक्षा जो देश की सुरक्षा सीमा पर लगे उनके हैक कर सकते हैं, तो जानकारी निकाली जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं ट्विटर और फेसबुक, लेकिन ट्विटर की तरफ से क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा रही है? देखिए मनीषा, अभी तो इसकी छानबीन की जा रही है, अब हो सकता है कि पूरी पूरी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसका अकाउंट हैक किया गया है, कुछ इसमें जो ट्वीट भी किए गए हैं जो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि देखिए बिटकॉइन का हुआ या क्रिप्टो कोरो को लेकर जो सदन में बाढ़ उठाई जा रही थी बिल लाना है, वो अभी प्रधानमंत्री मोदी से कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया गया, लेकिन ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी गई कि लोगों को किस तरीके से जो फैसला ले लिया गया है। तो ये 500 बीटीसी की जो बात कही गई है, ये कहीं ना कहीं फैक है।
तो देखिए विषय है जांच का, अब एजेंसियां कितनी जल्दी काम करती है। यानी अजय देखिए ये जो ट्वीट किया गया बिटकॉइन को लेकर, जो ट्वीट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पर हैकर्स के द्वारा, यानी बिल्कुल सोची समझी एक साजिश है, किसी ना किसी तरह का एक संदेश ये हैकर्स देना चाह रहे थे प्रधानमंत्री के द्वारा। बिल्कुल देखिए देश में कहीं ना सोचा देखा है कि भारत के अंदर एजेंसियां जो कितनी अलर्ट है, अगर हम किसी भी प्रधानमंत्री का हैक कर सकते तो आम लोग क्या चीज है। तो ये साइबर कैप जो इतना हैवी से तेजी से बढ़ रहा है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ये एजेंसियों का काम है और शूटर का काम है कि इस तरह से गतिविधियां होती है, इन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है। और 3 मिनट में और 3 ट्वीट किए हैं इन्होंने, तो तीनों ट्वीट अलग अलग किए हैं। तो देखिए कहीं ना विषय है, अब एजेंसियां इस पर जांच में बैठी हुई हैं, सारी जो एजेंसियां जुटी हुई हैं, अब तो विषय का जांच, कब इसकी जांच होगी, कब साइबर कैप जो इसने हैक किया है वो गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है जय, अपनी नजर लगातार इस खबर पर भी बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अजय।